हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सिर्फ कुछ चीज़ें डिस्कस करने आए हैं अबाउट योर सब्जेक्ट प्लस योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्लानिंग एंड डाउट्स। तो दोस्तों देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मैंने क्लास में कई बार बताया भी है, तो जो बच्चे नहीं भी क्लास ले रहे हैं, कहीं बाहर से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये गाइडेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। अभी हमारा समय बचा है बहुत कम, अराउंड 2 महीने बचे हैं। आपके 20, 22, 25 मई से पेपर स्टार्ट होंगे, बट मैं इस सब्जेक्ट के लिए मानता हूँ 2 महीने भी नहीं है। क्यों 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 मैं ऐसा बोल रहा हूँ? वो इसलिए दोस्त, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो और इसको बहुत ही हल्के में लेते हो और सोचते हो बस पास हो जाए और ख़त्म करें। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप लास्ट में ध्यान नहीं दोगे, लास्ट में बस सोचोगे बस कुछ ना कुछ करके चला जाऊं। और ये 6 सेमेस्टर है, अगर इसमें आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो या पेपर में, किसी पेपर में आप रह जाते हो, तो आपका फिर वो साल, समझ गए? तो इस पे ध्यान दीजिए और प्लानिंग अभी से कीजिए। जैसे कि देखिए, आप कितने सारे टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट की, हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला तो मैं बता दूं कि बुक में कई जगह आप के टॉपिक नहीं दे रखे हैं, ठीक है? जैसे कि एक बेसिक फर्स्ट यूनिट में ही एक है कंपनी ऑडिट, जिसमें सीए की अपॉइंटमेंट, सीए की क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑडिटर बनने के लिए, डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, रिमूवल क्या होता है, जो भी चीजें हैं इस चैप्टर में। चैप्टर ये बहुत बड़ा है एज पर कंपनीज एक्ट, बट आपके कोर्स में जितना देना चाहिए उतना भी नहीं दे रखा डीयू की बुक में। तो सर आप करवा क्यों रहे हो? क्योंकि दोस्त पेपर में आता है, ठीक है? पेपर में ये चैप्टर आता है। और इसमें अब कुछ बच्चे सोचेंगे, हो सकता है एक आधे बच्चे को पता हो कि सर 2019 में कोर्स पेपर डीयू का कोर्स चेंज हुआ था, तो उस टाइम ये चैप्टर हटा दिया गया होगा। सर बहुत बढ़िया बात अगर आपको ये पता है तो, बट दोस्त उसके बाद भी 2020-2021 में ये पूछा हुआ है, वो भी बीकॉम प्रोग्राम के पेपर में, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑल्डर। अब बताइए, ये प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम बताई, पूरा का पूरा चैप्टर बताया, बाकी हर उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं फालतू में, वो कभी नहीं आते हैं, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल कम दे रखे हैं और वो उसके आंसर उतने रेलिवेंट नहीं मिलेंगे आपको बुक में जितने रेलिवेंट आपको कई बार 10 ईयर में दिख जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो 10 ईयर में एकदम कबाड़ा दे रखा है, लेकिन आपको वो आता नहीं, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। हो सकता है वो डीयू की बुक में या फिर वो एक्सटर्नल टीचर की बुक में, टैक्समैन की बुक में अच्छा दे रखा हो, ठीक है? तो ये दिक्कत है इस सब्जेक्ट में। सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है डीयू, दोस्त क्या कर सकते हैं इसका, बताइए। हमारा काम है आपको गाइड करना, ठीक है? डीयू अपने कोर्स में धीरे धीरे चेंज लाएगा। अगले साल तो ये सब्जेक्ट पूरा ऑडिटिंग का पार्ट अलग हो जाएगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट अलग हो जाएगा, यानी इसका एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। अब वो कौन सा कोर सब्जेक्ट होगा वो जब की तब देखेंगे, अभी के लिए आपको ये प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बात है, ये है 5 यूनिट है, हर क्वेश्चन 15 नंबर का आता है लगभग, ठीक है? एक 7 का आएगा, एक 8 का आएगा। पहले यूनिट में हमें बहुत टाइम लगा, हमने 10 से 12 क्लासेस से पहले यूनिट में लगा दिया, जो क्लास के बच्चे वो जानते हैं क्यों, क्योंकि चीज़ें उतने अच्छे से आपकी बुक में नहीं दे रखी या फिर मिसिंग ही है। तो इसमें हमें बहुत सी बुकों को रेफ़र करके, 4 से 5 बुकों को रेफ़र करके हमने ये चीज़ बनाई है। सर कौन कौन सी बुक रेफ़र कर ली, जो क्लास के बच्चे वो जानते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बाहर के बच्चे हैं ये यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूँ। देखिए डीयू की बुक रेफ़र हो रही है, आपका 10 ईयर रेफ़र हो रहा है, टैक्समैन की बुक रेफ़र हो रही है, इवन सीए की बुक भी रेफ़र हो रही है। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो कुछ पुराने नोट्स या फिर इंटरनेट की सहायता भी ली जा रही है आपको बेस्ट कंटेंट देने की, ताकि आप इतना लिख पाओ और आपको याद रखे आप रख पाओ एट द एंड ऑफ द रिविजन ऑफ योर फॉर योर एग्ज़ाम, ताकि आप वो पेपर में उतना कंटेंट लिख पाओ जितना ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट तो इजी है लेकिन लिखना मुश्किल है, ठीक है? जैसे मैंने पहली क्लास में भी एक लाइन बोली थी कि अपने मन में सोचो कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऑडिटिंग होता क्या है,
और मैं क्या पढ़ता, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑफ अ कंपनी, एक लाइन में। लेकिन हमें कम से कम इसका एक पेज लिखना पड़ेगा, एक पेज नहीं तो पौना पेज तो लिखना ही पड़ेगा। अब बताओ आप पौना पेज क्या क्या लिखोगे, कहानी तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कैसे करनी है, मेन है सब्जेक्ट को लिखना कैसा है, पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। और उसके लिए जब तक आप अभी से इसकी प्लानिंग नहीं करोगे, एक अपना शेड्यूल नहीं बनाओगे, प्लस कौन सा कॉन्सेप्ट को कितना टाइम देना है वो नहीं कर लोगे अभी जल्दी से आप अपने घर पे बैठ के, तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा और आपको पेपर में हो सकता है बहुत कम मार्क्स आए। मैं चाहता नहीं ये बोलना, लेकिन हो सकता है कुछ लोग रह जाएं, क्योंकि 6 सेमेस्टर और ये सब्जेक्ट अगर रह गया तो फिर वो पूरा साल लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब्जेक्ट मुश्किल है, सब्जेक्ट आसान है, प्रॉब्लम ये है बच्चे से मेहनत नहीं करते। कुछ कंटेंट बहुत फालतू का दे रखा है, कुछ कंटेंट दे ही नहीं रखा, लेकिन वो पेपर में आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि कोर्स में नहीं है सर, तो क्यों करा रहे हो, लेकिन वो आ जाता है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी वजह से ये आसान सब्जेक्ट भी मुश्किल हो जाता है दोस्त। इसीलिए इसकी प्लानिंग अभी से करो आप, ठीक है, चाहे कितने भी दिन रह गए हैं, प्लानिंग इसकी अभी से करो, ताकि आप बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस आप बहुत ध्यान से देखते हो, वो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे के और इसकी प्लानिंग ऐसे कर लो कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा हो जाए। इसीलिए एक पॉइंट मेरा ये भी था, मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं कि सर इसकी लाइव क्लासेस क्यों नहीं होती। लाइव जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए है ये पॉइंट, लाइव क्लास दोस्त इसलिए नहीं है ताकि आप रिकॉर्डेड क्लास आपको जल्दी से मिल जाए। जो बच्चे इसको लेट भी खरीद रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं भी खरीदी वो बाद में भी खरीदेंगे, तो उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और तो उसको जल्दी से देख पाएंगे, उनको लाइव का वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लाइव दो लोग ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, FM, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, GST, टैक्स, इसलिए इसलिए भी मेरा मोटिव था कि आपको जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड करना, ताकि आप अगर लेट भी खरीद रहे हो तो आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल रहे और आप जल्दी से जल्दी देख के उसकी तैयारी कर पाओ। आपने मेरी क्लास भी देख ली है, अगर चाहे वो यूट्यूब से देखी है चाहे आपने क्लास ली है, क्लास अगर देखोगे ढंग से, क्लास देख लोगे, अपनी बुक में सिर्फ मार्क कर लोगे कि ये वर्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन में ये वर्ड ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे कर लोगे कि तो आपसे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। अभी बच्चे क्या सोचते हैं इसमें कि 35 नंबर आ जाए बहुत है, जैसे 40 आ जाए बहुत है, क्या कर लोगे उससे, आपकी क्या ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगी? नहीं, इसकी वजह से गिर उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें मेहनत ही नहीं करते हो, सारी मेहनत लगा देते हो आप बाकी सब्जेक्टों में। इसमें भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन इसमें मेहनत इतनी करो कि इसकी वजह से जो आप 35-40 लाने की सोचते हो उसे आप 55-60-65 भी लाओ, आ सकते हैं इसमें। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें सोच कर चलनी है, इसमें आ सकते हैं, बस प्लानिंग आप आज से कर लो, मेरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ मन बच्चों को उनमें डाउट आता है, डाउट्स। तो देखो डाउट्स आपके जो भी क्लास ले रहे हैं, डाउट्स आपके सारे व्हाट्सएप पे जो भी नंबर शेयर्ड है उस पर वो सॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए हम हैं। और अगर आप जनरल क्वेश्चन भी कोई पूछते हो एप्लीकेशन में, अगर आपने कुछ नहीं परचेस किया हुआ उसके बाद भी कोई क्वेरी है मन में कि कितनी क्लासेस हैं, क्या है, कैसे है, कि फीस एंड ऑल दैट, वो आपको टीम पे या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा वहाँ जाके या फिर एप्लीकेशन में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपको सब मिल जाएगा। कुछ बच्चों के ये भी डाउट है जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी है या फिर जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ले रखी है। ठीक है, अब मार्किंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि पहले बताया कि 5 यूनिट हैं और 5 क्वेश्चन आएंगे लगभग, एक 7 का होगा, एक 8 का होगा, तो आपके हो गए 15 नंबर ईच। ठीक है, एक 7 का हो गया, एक 8 का हो गया, एक 7 का, एक 8 का, टोटल हो गया 15, 7, 8। यही कॉन्सेप्ट, यही मतलब पैटर्न रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, बट मोटा मोटी अपना कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग लगभग यही रहने वाला है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही आए, हो सकता है कि इस यूनिट में से ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि इस यूनिट में ज्यादा आ जाए। कैसे सर ज्यादा आ जाए? जैसे होता है ना आपका, मान लो पहले क्वेश्चन का दो क्वेश्चन आए, एक 7 नंबर का एक 8 नंबर का, तो 7 नंबर में तो उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया, उसके फीचर पूछ लिया कुछ भी। 8 नंबर में क्या बोला उन्होंने, एक क्वेश्चन पूछा उसमें और करके एक और क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन इसका पूछ लिया। देखो एक तो इसका पूछे था ही, इसका पूछा था ही, और एक इसका और इसका और करके पूछ लिया, मतलब फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट का एक एक क्वेश्चन पूछ लिया और में। तो अगर आपने ये वाला आता होगा तो आप ये वाला लिख दोगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा उस टाइम पे, मान लो 7 का ये था और दूसरा 8 का, और इसकी जगह एक क्वेश्चन इसने आपने ये वाला कर दिया, तो ये कितने का बन गया, 21 का। मान लो 7 8 15, 15 और 7 कितने हो गए, सॉरी 22 का। अब ये 22 नंबर का एक तरह से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। इसी तरह मान लो इन दो यूनिट में से इसमें से कोई और में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, और मतलब मैं क्या बोल, मेरा पॉइंट है ऑप्शन में, ऑप्शन में कोई पॉइंट आ जाए जो आपको इस वाली यूनिट का आता होगा, तो आप वही वाला ऑप्शन चूज करोगे ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक 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 चीज आनी चाहिए, या फिर एक एक हर एक यूनिट में से आपको क्वेश्चन आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये चीज छोड़ के चले जाते हैं, मान लीजिए यूनिट 3 ही पूरी की पूरी छोड़ दी, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन आ गए, क्या करोगे, जबकि आते हैं यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। प्लस आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो फुल जोश रहता है, यूनिट 1 पढ़ लेंगे, यूनिट 2 पढ़ लेंगे, यूनिट 3 पढ़ लेंगे, फिर 4 और 5 को सोचेंगे अरे यार एक बस देख लेते हैं, बस देख के चले जाते हैं। ऐसा मत कर देना, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बांटा हुआ है, मतलब मार्किंग के हिसाब से बांटा हुआ है, जो मैंने मार्किंग ऊपर बताई, बट ये मार्किंग भी चेंज हो सकती हैं। तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं क्लास में बता ही देता हूँ आपको कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ हम सब कुछ रहे हैं, बस कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर आते हैं, रिपीट होते हैं, 2 साल में 3 साल में रिपीट होते रहते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो कम रिपीट होते हैं, जो कई सालों तक नहीं आए हुए हैं, उन पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपकी बुक में इतना बड़ा लिखा है लेकिन हम उसमें कम टाइम में समझ जाते हैं, कुछ कंटेंट ऐसा है जो लिखा बहुत कम है आपकी बुक में लेकिन उस पर हम ज़्यादा समय देते हैं, क्यों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बहुत और पेपर में ज़्यादा मार्क्स का आता है और ज़्यादा ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप भी अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपको पेपर में आसानी हो, और अगर अभी आपने प्लान नहीं किया दोस्त दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आए इसमें और इसकी वजह से आप ओवरऑल परसेंटेज खो दें। आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की, आपने उसमें से 60 70 तक लिया है, ठीक है, मान लो आपने अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, आपने GST बहुत अच्छे से पढ़ा है, ले आया आप उसमें 60 70, इसमें आप 35 68 में अटक गए, क्या होगा, उसकी परसेंटेज यही गिरा देगा अकेला, ये आपकी परसेंटेज गिरा भी सकता है। और मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका कोई मुश्किल पेपर आ गया, आप 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसमें आपके 40 50 में अटक गए आप, 40 45 में, लेकिन ये आपने पढ़ा हुआ है और इसमें आपने आराम से 60 मार दिए, तो ये उस सब्जेक्ट की जो गिरी परसेंटेज को वापस वो कर लेगा, पूरा उठा देगा उसको, ठीक है, पूरा मेकअप कर देगा ये पूरा दूसरा सब्जेक्ट को, ये वाला सब्जेक्ट। तो आप इसे हल्के मत लेना, प्लान दिस सब्जेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, और एग्जाम से पहले वाले रिवीजन जो होती है उस समय के रिवीजन के लिए भी इसको प्लान कर लो अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट होता है, प्लस ये कोर सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कंपलसरी है। तो प्लीज़ प्लान दिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, जो भी छोटे छोटे चीज़ें मैंने बताई वो ध्यान रखना, फिर भी किसी के मन में डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो दोस्तों एक और पॉइंट आया भी हमारे पास, मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया है आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कि सर हमें कॉम्बो चाहिए GST और ऑडिट का, क्योंकि समय कम बचा है, लोग इस पे कम ध्यान देते हैं और एंड में फंसते हैं।
तो कुछ बच्चों के बार बार क्वेरीज आ रही हैं कुछ दिनों से, तो उसके लिए हमने एक चीज़ स्टार्ट की है, आपके लिए कुछ ऑफर स्टार्ट करा है। दोनों कोर्सेज का मिला के शायद 1300-1400 का कोर्स जाता है, ये मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्त मैं क्या बोल रहा था, देखिए अभी क्या हमारा जो, अगर मान लो आपको किसी को कोर्स लेना है, कुछ बच्चों जो क्वेरी आ रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ये आप हमने डिस्कशन कर ही लिया है सारा। किसी को चाहिए मान लीजिए ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस GST का कोर्स, ऑल दो दोनों का मिला के कुछ 1300-1400 जाता है हमारा जो, अगर दोनों क्लासेस की मैं प्राइस डिस्कस करूँ आपसे, ठीक है, बट इस 1300 to 1400, बट क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन निकालने, कॉम्बो, एक कॉम्बो ऑफर निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है इसीलिए, और एग्ज़ाम टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में दोनों सब्जेक्ट करना इजी नहीं है, इसीलिए हमने जो क्लासेस को काफ़ी जल्दी डालने की कोशिश की है, और आपको क्लासेस जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी ताकि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। इसको हम सोच रहे हैं कि ये प्राइस ना रख के आपको दोनों का कॉम्बिनेशन हम 900 में प्रोवाइड करें, जस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज अभी का टाइम देखो, अभी मार्च लगभग लगभग आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, आज 15-16 तारीख है। अगर आप अभी से इतनी क्वेरी कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत से बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। अदरवाइज जिन्होंने, जो लोग YouTube से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मैंने चीज़ें अभी पहले डिस्कस की, इतनी इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में, क्या क्या दिक्कत है आपके सब्जेक्ट में, क्या क्या चीज़ें नहीं दे रखी, छोटी छोटी गाइडेंस है, ये चीज़ ध्यान रखना बस, बाकी जिसको सेल्फ करना सेल्फ करे, बट जिन बच्चों की क्वेरी आ रही है उनके लिए है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आपको इस अमाउंट में पड़ जाएगा, इस अमाउंट में दो सब्जेक्ट। अब एक पॉइंट बहुत बच्चों का आएगा, सर हमने तो ये वाली खरीद ली लेकिन ये नहीं लिख खरीदी, या फिर GST क्लास ले ली ऑडिट की नहीं ली हमने, तो सर हमारा तो लॉस हो गया। देखो कोई लॉस नहीं हुआ, मान लो जिसने ऑडिट की खरीदी है, मान लो जिस भी एक्स अमाउंट की खरीदी है, तो 900 में से इस अमाउंट में से वो अमाउंट लेस करके जो भी पेंडिंग अमाउंट बचेगा वो आपको देकर आपको अगला अगली क्लास भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नए बच्चों के लिए कोर्स लाया, नए बच्चों के लिए तो है ही, वो इकट्ठा कॉम्बो कॉम्बो ले सकते हैं इसका, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, जो जिनके पास ऑडिट की है लेकिन GST की नहीं ली, जिन्होंने GST के लिए या फिर ऑडिट की नहीं ली, तो उनके लिए, क्योंकि वो भी फिर हमारे पास आएंगे कि सर हमने तो, हमें तो पता नहीं था, नहीं तो हम तो वही लेते, कॉम्बिनेशन लेते, हमारा तो घाटा हो गया, टेंशन ना लो। आपके लिए क्या कर दिया गया है कि जो भी, जिसने भी जो क्लास ली है चाहे ऑडिट के लिए है, तो उसको जितना उसने ऑडिट में पे किया है उससे बच्चे का जो, उससे बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको वो पे करना होगा। सिमिलरली GST का जिसने क्लास ले रखी है उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो उसे पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेरीज आ रही हैं और हमें ये चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए एट द एंड बच्चे ही हैं, आप देख ही रहे हो आपकी जो प्राइसिंग है वो कितनी कम कर दी गई है, कितनी डिस्काउंटेड है, और कॉम्बिनेशन में वो और ज़्यादा डिस्काउंटेड है। प्लीज़ मेक श्योर योर सेल्फ, इन केस यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो जिसको कॉम्बिनेशन लेना है, इसका कॉम्बो लेना है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको वो ऑप्शन दिख जाएगा एप्लीकेशन में, 1-2 दिन में वो लाइव हो जाएगा, आप वहाँ से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो और दोनों क्लासेस को लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, एग्ज़ाम से जितना पहले हो सके उतना पहले। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना दोस्त, बच्चे कुछ इसमें ये लेके कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो क्वेरी आ रही है, कह रहे हैं कि सर हमें ये भी चाहिए, कुछ लोग ये लेके कह रहे हैं कि सर हमें, आप सोच रहे हैं हम GST भी लें,
कुछ बच्चे जो आउटसाइडर हैं उनका क्वेश्चन आ रहा है, सर हमें दोनों क्लास चाहिए, क्या इन दोनों का कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो सकता है? तो अब हम एक एक बच्चे को ना उसकी क्वेरी सॉल्व करके कि हाँ चलो इतने में आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आती है सर प्लीज़ कम कर लो प्लीज़ कम करो, तो हम एक एक बच्चे को ना एंटरटेन करके हमने ओवरऑल एक फिक्स चीज़ को फाइनल कर दिया, दिस वन, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन का हमने फिक्स कर दिया अमाउंट, तो ये देकर आप दोनों दोनों क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। तो यही पॉइंट रह गया था जो मुझे अभी अभी पता चला मैनेजमेंट से, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है, फिर भी किसी को क्लैरिफिकेशन एक्स्ट्रा चाहिए, पहले एक और बात बता देता हूँ कि सारा चीज़ें आपको क्लासेस बहुत शॉर्ट वे में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर कॉम्बिनेशन दे दिया, इतना हैवी डिस्काउंट दे दिया तो क्या आपको हमारे कोर्स में कुछ इश्यू आएगा? नहीं, आपको फुल चीज़ मिलेंगी जो लाइव, जो अभी हमारी रिसेंटली जो जो या तो रिकॉर्ड हो रही है या फिर लाइव चल रही हैं। जीएसटी की मोस्टली क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं और ऑडिट की मोस्टली, सॉरी, ऑडिट की मोस्टली रिकॉर्ड हो रही हैं और जीएसटी की मोस्टली लाइव जा रही हैं। ये सारी आपको करंटली जो क्लासेस चल रही हैं वही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी रिकॉर्डेड मिलेगी, नहीं, जिसमें 110% कोर्स कंप्लीट है जो हम करवा रहे हैं। मैं 110 क्यों बोल रहा हूँ, इस वजह से जो मैंने अभी आप अभी से डिस्कस किया था ना कि कुछ चीज़ें नहीं दे रखी जो कि हम आपको ढूंढ के करवा रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ 110%, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द नंबर विच इज़ मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एंड टेक केयर।